हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल थिंग्स जो होते हैं, कुदरती चीजें जो होती हैं, हम सबको पता है यूजफुल होती है। पेड़ पौधे हो गए, नदियां हो गए जहां से पानी लाते हैं। तो जब लोगों को पता चलता है कि ये कोई ऐसी कोई चीज यूजफुल है, तो लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड या अपनी एबिलिटीज से उनको रिसोर्सेस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ है, पेड़ को फर्नीचर में तब्दील कर दिया। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको एक अल्टीमेट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो है अपना दिमाग लगा के, अपनी मेहनत लगा के, अपने ईज के हिसाब से एक रिसोर्स डेवलप कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमें पता कार है, गाड़ियां हैं, एक जगह से दूसरी जाने के लिए हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। वैसे ही सामान अगर शिफ्ट करना है इधर से उधर, किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो गाड़ी का इस्तेमाल। ह्यूमन रिसोर्स जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, ये डिफर करता है एजुकेशन लेवल्स पे, एज पे और सेक्स पे। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है हम सबको पता है क्या होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो होता है कि किस जगह पे कितने लोग कैसे रहते हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है इसको। अब देखिए 90% से ज्यादा लोग, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 30% ऑफ लैंड सरफेस पे रहती है। कुछ क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, हमने देखा होगा, कुछ बहुत कम जहां पे भीड़ होती है। फॉर एग्जांपल क्राउडेड जो जितने भी सिटीज हो गए और जो डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, वहां पे बहुत उनकी क्राउड कम पाया जाता है। वहां पे 60% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल जो है वो टोटल 10 कंट्रीज में रहते हैं। वो कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और फेडरल रशिया एंड जापान। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं किसी एक यूनिट एरिया में ऑफ अर्थ सरफेस में जो रहते हैं उसको डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं इसको हिंदी में। स्क्वायर किलोमीटर में मेजर किया जाता है। एवरेज डेंसिटी जो थी 51 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर नोटेड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसे अलग अलग जगह पे होती है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। टोपोग्राफी आता है पहला। लोग प्रेफर करते हैं प्लेन्स में रहना, वहां पे फार्मिंग वगैरह की सुटेबल कंडीशंस होती है। क्लाइमेट, कुछ लोग होते हैं मोस्टली वो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं। सॉइल, फर्टाइल सॉइल्स अगेन एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड है। वाटर, पानी तो डेफिनेटली एक बेसिक नीड है, तो जहां पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होता है तो लोग वहां की तरफ मोस्टली जाते हैं। मिनरल एरियाज जो होते हैं, मिनरल डिपॉजिट और जहां पे होते हैं वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं। सोशल जो है, बेटर हाउसिंग, कॉलोनी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज होगी, पुणे एक एग्जांपल है। कल्चरल का आप ले लीजिए, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस जो होता है, एक ही वेशभूषा, भाषा एक ही जगह रहने करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया। इकोनॉमिक जो है, इंडस्ट्रियल एरियाज आ गए, जैसे कि मुंबई है इंडिया का, या जापान है, जापान में ओसाका है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं तो लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में अगर कम ज्यादा लोग हुए हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस भी होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, किसी अगर एरिया में बर्थ्स ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू डेथ्स तो पॉपुलेशन चेंज हुई होगी ऑब्वियसली, या डेथ्स हुई है एज कम्पेयर टू बर्थ तो अगेन पॉपुलेशन चेंज हुई, या दोनों अगर हुए हैं साइमल्टेनियसली तो नंबर्स में चेंजेस आएंगे। बर्थ्स जो है मेजर होती है बर्थ रेट से, दैट इज नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों के पीछे कितने बर्थ हुए हैं उसे बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट जो होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों के पीछे कितनी मौतें हुई हैं तो उसको डेथ रेट बोलते हैं, वैसे कैलकुलेट किया जाता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल
इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, इस किसी एरिया में कुछ लोग आए हैं या कुछ लोग गए हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट होता है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस हो किसी कंट्री का, उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक कंट्री को छोड़ के जाते हैं। इमिग्रेंट्स होते हैं जो एक कंट्री में बाहर से आते हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब अलग अलग पैटर्न हमें देखना मिलता है, को मिलता है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे केनिया होगी, केनिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है और बर्थ रेट वहां पे हाई है, और यूएसए जो है वहां पे स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, कम है, बिकॉज ऑफ लो डेथ एंड बर्थ रेट्स। पॉपुलेशन कंपोजिशन, देखिए कुछ कोई कंट्री में कितनी आबादी है उससे उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। उसके पीछे एग्जांपल है जापान और बांग्लादेश का। जापान में भी क्राउडेड है, और जापान भी क्राउडेड है और बांग्लादेश भी क्राउडेड है। हाउएवर जापान इज वेरी मच इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड बांग्लादेश इज नॉट। पॉपुलेशन पिरामिड, देखिए यहां पे मैंने एक फिगर बनाई है। पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या शो करता है, देखिए यहां पे परसेंटेज में बताया 10%, 8% वैसे टाइप ऑन सो ऑन, और दो कैटेगरीज में इसको मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया, और यहां से एज ग्रुप। पॉपुलेशन पिरामिड जो हमें शो करता है वो करता है कि वेरियस एज ग्रुप्स जो है कैसे लोग बटे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 0 to 4 में के एज में कितने लोग आते हैं, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। 5 to 9 एज ग्रुप में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वैसे ही सो ऑन। और ये भी हमें बताता है कि ये मेल्स और फीमेल, जैसा मैंने आपको बता दिया। और तीसरा डिपेंडेंस, यानी कि जैसे कि 15 साल से छोटे हैं और 65 ईयर से अबोव जो है, डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डिपेंड होते हैं किसी न किसी चीज के लिए। छोटे बच्चे पेरेंट्स पे होते हैं और बुजुर्ग लोग भी अगेन अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड से हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।